दोस्तों अब हम ये वर्कशीट नंबर 7 को हल करेंगे। इसके अंदर द लर्नर्स इन्फर द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग देम इन कंटेक्स्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो इसके अंदर जैसे वो हिंदी के अंदर होते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, उसी तरीके से इंग्लिश में जो उपसर्ग यानी जो आगे जुड़ते हैं उनको प्रीफिक्स, और जो एंड में जुड़ते हैं शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। तो ये इनका आपको यूज करना है। इस तरह जैसे हम देख रहे हैं कि लुक एट द वर्ड गिवन बिलो, तो जैसे ये नोन नोन शब्द है, इसके आगे हमने अननोन, तो नोन के आगे अन सफिक्स जो लग रहा है, जो एक तरह से उपसर्ग लग रहा है, उससे अन से अननोन बन गया। इसी तरीके से काइंड में ये काइंडली, तो ये एल वाई जो सफिक्स है ये जुड़ गया और तो काइंडली बन गया, और सॉरी इसमें ये प्रीफिक्स अन प्रीफिक्स है। तो इसी तरीके से तो इसके जो ये शब्द होते हैं नाउन, इनके हमने अन प्रीफिक्स लगाया तो अन नाउन बन गया। इसी तरीके से काइंड शब्द है, इसके एल वाई सफिक्स लगाया तो ये काइंडली बन गया। तो ये जो काइंड और नोन शब्द है ये मूल शब्द है, रूट शब्द है, और ये इनके आगे सफिक्स या प्रीफिक्स लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमें ये जो ये सारणी दी गई है इन सफिक्स इन प्रीफिक्स का यूज, हमें ये बॉक्स के अंदर जो प्रीफिक्स दिए गए इनका यूज ये नीचे दिए गए शब्दों में करना है और सार्थक शब्द बनाना है। जैसे काइंड के इनमें से हम सूटेबल प्रीफिक्स कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे अनकाइंड, तो यहाँ अन ये प्रीफिक्स लगा दिया। इस प्रकार से बिहेव है, तो बिहेव से मिस बिहेव शब्द बनता है, मिस प्रीफिक्स लगा देंगे तो मिस बिहेव शब्द बन जाएगा। इस प्रकार साइकिल है, साइकिल में यदि हम बाई प्रीफिक्स लगा देंगे तो बाईसाइकिल शब्द बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो करेज है, करेज यानी साहसी, और इसके हम जो ये डिस शब्द लगा देंगे प्रीफिक्स के रूप में तो डिसकरेज असाहसी असाहस बन जाएगा इससे, और करेज यानी साहस और डिसकरेज यानी असाहस। तो इसी तरीके से ये अंडरस्टैंड यानी समझना, और ये जो इसके डिस ये मिस प्रीफिक्स लगा देंगे तो मिसअंडरस्टैंड यानी नहीं समझना किसी चीज़ को, तो वो आ जाएगा। इसी तरह से एबल यानी समर्थ योग्य, और इसके हम अन प्रीफिक्स के रूप में लगाकर अनएबल यानी अयोग्य या असमर्थ। तो इसी तरीके से ये एग्री शब्द है, एग्री, इसके हम डिस प्रीफिक्स लगा देंगे तो डिसएग्री, एग्री यानी सहमत और डिसएग्री यानी असहमत। और इस तरीके लिंगुअल, और इसके वाई लगा देंगे हम तो वाई लिंगुअल है ना, तो एक तरह से द्विभाषी, और ये एक भाषी है, तो ये शब्द हैं। इसी तरीके से हम प्रीफिक्स के रूप में यूज लेते हैं, जैसे एल वाई नेस फुल ने लेस एबलमेंट, इन शब्दों को हम प्रीफिक्स के रूप सफिक्स के रूप में यूज लेंगे, यानी पीछे शब्दों के रूप में, शब्दों के पीछे लगाकर सार्थक शब्द बना सकते हैं। जैसे वीक, तो वीक के यदि हम ये लगा दें वीक, तो वीक के हम वीक यानी कमजोर, और वीकनेस कमजोरी, इस वजह से फेथ, तो फेथफुल फुल एफ यू आर ये वाला इसमें सफिक्स लगा देंगे तो फेथफुल बन जाएगा। इस तरीके से ओबीडियंट, जो आप लेटर में लिखते हो एप्लीकेशन में, फेथफुली
है ना, ओबीडियंटली, तो वो चीज़ें, तो ओबीडियंट के एल वाई सफिक्स के रूप में लग रहा है तो ओबीडियंटली बन गया आज्ञाकारी। इस प्रकार यूज, यूज यानी उपयोग, और यूजफुल उपयोगी, एफ यू आर इसमें सब सफिक्स लगा दिया तो यूजफुल बन गया उपयोगी। इस प्रकार जज, जज तो जज यानी एक तरह से जज के हमने ये लगा दिया एम ई एन टी मेंट, जजमेंट, तो एक निर्णय हो गया, न्याय, न्यायफुल निर्णय हो गया जजमेंट। तो ये इस प्रकार से बॉस, तो ये एबल, एबल सफिक्स के रूप में वाच्य बंद यानी धोने योग्य। तो इस तरीके से हम जो रूट शब्द है, मूल शब्द है, उसके आगे या पीछे कोई भी शब्द लगा करके और सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे अपने छात्रों, साथी छात्रों को भेजें। धन्यवाद।